शामी सोच समझ कर अब भागते हुए आ रहे हैं बॉल डालने, और ये डाली आधी स्पीड से बॉल, और ये क्या, ये तो बॉल लगी है सीधा तिरामिशु के टांग पर और वो जमीन पर लेट गए हैं। सामने रनिंग एंड पर बैट्समैन रन लेने के लिए तिरामिशु को बुलाता हुआ, भाग तिरामिशु भाग, तू भाग, टांग तोड़ दिया मेरा, माँ कसम। स्वागत है आप सभी का पब्लिक टीवी में। जी हाँ, पब्लिक टीवी में, यहाँ हम बनाते हैं न्यूज, हम बनाते हैं जी, हमसे ही बनती है न्यूज, कुछ गलत हो या ना हो पर हम उसको जरूर गलत बताएंगे, वरना आप ही बताएं कि हम पैसे कैसे कमाएंगे, बताइए। अरे सर कैमरे पे तो मत ठोको। ब्रेकिंग न्यूज है ये, एक रिपोर्टर को दी कैमरा मैन ने धमकी। जी हाँ, धमकी दी है एक रिपोर्टर को। चलिए छोड़िए, इनसे हम बाद में निपटेंगे, पहले हम अपनी क्रिकेट टीम के बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ, वही टीम जो पाकिस्तान से हार गई थी, बिल्कुल सही सुना आपने, वही टीम जो पाकिस्तान से हार गई थी, वही पाकिस्तान जो अब हमें जिंदगी भर चिढ़ाएगा। जी हाँ, इससे बेकार कुछ नहीं हो सकता। नेशन वॉन्ट्स टू नो कि ये क्यों हारे, आखिर क्यों, यही जानने के लिए हमारे संवाददाता मिस्टर गोटा पहुंच चुके हैं जनता के बीच में। जी हाँ गोटा जी, क्या खबर लाए हैं आप हमारे लिए, बताइए। चरणव जी, हेलो चरणव जी। गोटा जी, जी हाँ गोटा जी, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? लगता है गोटा जी भी फ्री का सिम, पियो कंपनी का सिम यूज कर रहे हैं। हाँ जी चरणव जी, आ गई आवाज, चरणव जी आ गई जी। मेरा नाम है गोटा, पब्लिक न्यूज से, और आज मैं आपके बीच में लाया हूँ जमीन की हकीकत। यहाँ के लोगों में बहुत गुस्सा है हमारी टीम को लेके, चलिए इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है इस हार के लिए। तो जी आप बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप इस टीम की हार के बारे में? अरे भाई साहब, सबसे पहले तो गोली को बाहर निकालो, एक नंबर का पनौती है ये, हैं? इनसे बस ऐड करवा लो, दुनिया घुमवा लो, बस इनके बस की कुछ नहीं है जी। तो जी आपको क्या पता है गोली के बारे में? आपको पता है गोली सबसे सक्सेसफुल भारत का कप्तान है, ओडीआई का, कोहनी से भी ज्यादा अच्छा सक्सेस रेट है उसका। वो अकेला कप्तान है जिसने 6 डबल सेंचुरी बनाई है, सबसे फास्ट 10,000 रन बनाने वाला वो एक लौता प्लेयर है, रन मशीन का नाम मिला है उसको। और क्या बताऊं तुझे, गूगल में भी अगर क्रिकेट का किंग सर्च मारेगा ना तो विराट कोहली आता है सामने, तू भूतनी के क्या जज करेगा उसे, जिसे अपने खुद के कच्चे नहीं धोए जाते हैं। सफलता में तो हर कोई आ जाता है ताली बजाने, असली फैन वो होते हैं जो बुरे वक्त में सपोर्ट करते हैं टीम को। और तू साले कैमरा बंद कर कैमरा, धरती पे बोझ है, इससे पहले कि मैं तुझे दुनिया से बाहर कर दूं चला जाए यहां से। चन्नव जी माफ कीजिएगा असुविधा के लिए, उनसे तो ठीक से बात नहीं हो पाई, थोड़ी तकनीकी खराबी हो गई थी। अब इनसे पूछते हैं इनका क्या कहना है इस हार के बारे में। तो जी आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? रा सबसे पहले तो शामी के भाई, शामी को बाहर निकालो, टीम से भी और देश से भी, ये देशभक्त नहीं है जी, इसी की वजह से हार रहे हैं जी हम मैच, इसको निकालो पहले। अच्छा तो आप ये कह रहे हैं कि शामी की वजह से हम हारे और वो देशभक्त भी नहीं है, हैं? तो बताइए आप कितने बड़े देशभक्त हैं और क्या किया है आपने देश के लिए अब तक? वो तो हम क्या कह रहे थे, जाओ बॉर्डर पे जाओ गोली खाओ, कम से कम कुछ तो बोझ कम होगा देश का, नहीं तो हम भेज देते। रुको कैमरा फिर से बंद करो जरा। ये साले नकली देशभक्त भाई, ऐसे तेरी माँ की, माफ कीजिएगा फिर से तकनीकी गड़बड़ की वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। तो अब हमारे सामने है तीसरे गेस्ट, अब इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है भारत की हार के बारे में। तो जी आप क्या कहना चाहते हैं, टीम हार गई थी उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, बताइए। जी जी जी, हम कहना चाहते हैं कि अच्छा किया जो हार गई, अच्छा किया, वो बार बार जीत रहे थे, थोड़ा बोरिंग हो गया था जी, तो अब हार गए, अब थोड़ा अलग लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी, और हमको सपोर्ट करना चाहिए जी टीम को जी, बिल्कुल तुम्हारे या जीतो, टीम इंडिया हम तुम्हारे साथ है जी, बिल्कुल साथ है। शाबाश, ये हुई ना बात, इधर आओ तुम्हें शाबाशी दे। नहीं नहीं नहीं, तुम हमको मारोगे, हम जा रहे हैं। अरे रुकिए, तो चरणव जी देखा आपने कैसे देश की जनता आज भी अपनी टीम के साथ मजबूती से खड़ी है। गोटा जी ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, कुछ नेगेटिव लाओ, नेगेटिव, लोगों को नेगेटिव पसंद है, प्लेयर्स को गाली दे, ऐसे पब्लिक को लेकर आओ, नेशन वांट्स ब्रेकिंग न्यूज। चन्नव जी एक बात बताएं आपको, आप जैसे दलालों की वजह से ही तो ये मीडिया का नाम खराब हुआ है, बस नेगेटिव ही दिखाना है आपको, हैं? आप दिखाइए नेगेटिव, मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं अपनी टीम के साथ था और साथ ही रहूंगा। और अगर तूने कुछ और गलत बोला ना साले,
तो वहीं आके मारूंगा। रख फोन रख। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, लाइव टीवी में दी संवाददाता ने एक रिपोर्टर को धमकी। जी हाँ, इस न्यूज को हम बाद में बचा कर रखते हैं, अभी आप जाइए। और आज फिर भारत को नामीबिया जैसी टीम से हारते हुए देखिए। जी हाँ देखिए, ये साले हरामजादे अगले 2 महीने तक हम लोगों की फोटो दिखा दिखा कर आग लगाएंगे। ओह नो। और फिर चुंडू मुंडू टीवी पर आके हमें ज्ञान पेलेंगे कि गोली को कैसे खेलना चाहिए था। अब तो कोनी भाई बचा सकते हैं इन सब से। कोनी भाई, कोनी भाई। चीकू कुछ नहीं बचा, इतना जलील तो मैं अपने पूरे करियर में भी कप्तान बन के नहीं हुआ जितना तेरी टीम का एक बार मेंटर बनने के बाद हो गया। कोच साहब मुझे दो बोतल, आज मैं भी पीऊंगा। नो कोनी नो, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है जी, का सेवन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं 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 नहीं, नो नो नो, बिल्कुल नो। चीकू ट्रॉफी नहीं दे सकता, आप ये बोतल नहीं दे सकते, मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? कान खोल कर सुन लो तुम सारे, बहुत हो गया ये हार का नाटक। आज है नामीबिया के साथ मैच और मैं तो बोल रहा हूँ ये भी हार जाते हैं और घर चलते हैं, वैसे भी इन सब ने गालियां ही देनी है। ओके भाई हो जाएगा। स्वागत है आप सभी का आज के इस बचे कुचे मैच में, जहां एक तरफ है वो टीम जिनका नाम आज से पहले किसी ने भी नहीं सुना, ये है नामीबिया, और दूसरी तरफ है हार के बादशाह भारत। तो भारत ने पहले बैटिंग करके बना दिए हैं 450 रन 20 ओवर में। अब बैटिंग पर आ चुके हैं नामीबिया के कप्तान तिरामिशु, और बॉलिंग डालेंगे भारत की तरफ से सबसे थकेले बॉलर मिथुन चक्रवर्ती के छोटे बेटे वरुण चक्रवर्ती, और ये तिरामिशु न जाने क्या बोलते हुए वरुण को। तुमको सबने हराया, आज हम भी तुमको हराएगा, और हरा के पहली फुर्सत में गड़बड़ाएगा। चल बे छोटे, तैयार हो जा चक्के पे चक्का काने के लिए। Oh no! और अब गोली न जाने क्या समझाते हुए वरुण को। देख सिंपल है, छक्के खा, मैच हरवा और फिर घर जा, ठीक है? तू यही करता है, एक बार और कर दे बस। नहीं भाई, आप मुझे मिस्ट्री बॉलर की तरह लाए थे, अब आप देखो मेरी मिस्ट्री, ऐसी बॉल घुमाऊंगा, ऐसी बॉल घुमाऊंगा किसका बाप भी 4 आंखों के साथ नहीं देख पाएगा मेरी बॉल को। न जाने कौन से झूठे मूठे वादे करके भागते हुए आ रहे हैं बॉल डालने वरुण, और ये डाली 4000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बॉल, और ये तिरामिशु ने भी आगे बढ़ के घुमा दिया है बल्ला, और ये बॉल जाती हुई हवा में, ये लगा पहली बॉल पर गर्मा गर्म छक्का। छक्का खाने के बाद अब वरुण गोली से डांट खाते हुए। बस करवाली बेइज्जती, मिस्ट्री बॉलर मिस्ट्री बॉलर, तुझसे अच्छा तो मेरा कोई मिस्त्री खेल लेता, कम से कम दीवार तो बना देता जिसके पीछे मैं कम से कम छुप तो जाता, अब तू कहीं छित ना जाए मुझसे, चला जाए यहाँ से। हमें बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि नामीबिया जैसी टीम के साथ भी मैच आखिरी बॉल तक पहुंच गया है, और नामीबिया को चाहिए सिर्फ 2 रन ये मैच जीतने के लिए। ये टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, अब लगता है कि इनसे हारने के बाद आईपीएल से भी बाहर हो जाएगी, और ये शामी अपनी आखिरी बॉल पर छक्का खाकर मैच हरवाने के लिए तैयार, और सामने नामीबिया के कप्तान तिरामिशु मैच जीतने के लिए आखिरी बॉल खेलने के लिए तैयार। तिरामिशु न जाने क्या बोलते हुए शामी को। अबे ओ शामी, कौन सा मुंह दिखाएगा हमारी जैसी टीम से हारने के बाद अपने लोगों को। बड़े आए वर्ल्ड कप की नंबर 1 टीम, जाके बॉल डाल और मुझे आखिरी बॉल पे छक्का मारते हुए देख ले। तिरामिशु से सुनने के बाद अब गोली भी न जाने कौन सा ज्ञान समझाते हुए शामी को। भाई ये अपनी औकात से ज्यादा बोल रहा है, मैं बता रहा हूँ भाई मैं मारूंगा इसको। अरे शामी भाई छोड़ो ये बच्चे हैं, माफ कर दो, छक्का वक्का खाओ और मैच खत्म करो यार, घर चलते हैं जल्दी। Oh no! नहीं गोली भाई नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इन हाथों ने विकेट लेना छोड़ा है पर मुंह फोड़ना नहीं भूले, अब मैं इसका मुंह फोड़ूंगा, और पहले फोड़ूंगा और फिर तोड़ूंगा और फिर बाद में थूक लगा के जोड़ूंगा। शामी बड़ी बड़ी बातें करके आ गए हैं बॉल डालने के लिए। शामी बॉल डालने से पहले न जाने क्या सोचते हुए। ये शाम के भाई, शामी के बस की कुछ भी नहीं है जी, इनको तो जी बाहर निकालो देश से, इनसे तो जी प्रचार करा लो,
कुछ भी नहीं है इनके बस की, बस ये आईपीएल के शेर हैं, बाकी मैच में तो मिनट से पहले ढेर हो जाता है जी। ये बुड्ढा हो गया ये शामी। शामी सोच समझ कर अब भागते हुए आ रहे हैं बॉल डालने, और ये डाली आधी स्पीड से बॉल, और ये क्या, ये तो बॉल लगी है सीधा तिरामिशु के टांग पर और वो जमीन पर लेट गए हैं। सामने रनिंग गेंद पर बैट्समैन रन लेने के लिए तिरामिशु को बुलाता हुआ, भाग तिरामिशु भाग, तू भाग, टांग तोड़ दिया मेवा, माँ कसम टांग तोड़ दिया रे। और यहाँ तो मना कर दिया है तिरामिशु ने भागने के लिए, और इसी के साथ भारत ने मैच जीत लिया है। और अब शामी कम बालों के साथ हीरोगिरी दिखाते हुए। शेर चाहे कितना भी घायल हो जाए पर गली के कुत्ते उसका शिकार नहीं करते, ऐसा नहीं हो सकता। और ये बुरा टाइम है हमारा, अच्छा टाइम भी आएगा, फिर देखना शामी तुम्हें कैसे रुलाएगा। इसी के साथ ये मैच भारत ने जीत लिया और हम सबका दिल भी। और आप सभी से यही कहना चाहते हैं कि इस मुश्किल समय में हमारी टीम को सपोर्ट दें, ये जरूर कमबैक करेंगे और दिखाएंगे दुनिया को कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। इसी बात पर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।